दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति की आड़ में बहुत सारे क्राइम्स को अंजाम दिए जाते हैं, और आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही पॉलिटिकल थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है 2022 में और 2023 में, और इन सभी वेब सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, जुगाड़स्थान। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे फेक स्टूडेंट से जो कि डॉक्टर की परीक्षा देते हैं और डॉक्टर की परीक्षा को पास भी कर लेते हैं। इस वजह से बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि डॉक्टर की काबिलियत रखते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है या फिर वो एग्जाम में बैठ ही नहीं पाते हैं, और इसी क्राइम को किस तरह अंजाम दी जाती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 9, द ब्रोकन न्यूज़। IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 8, जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर। सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो इस सीरीज को दो पहलुओं में दिखाने की कोशिश की गई है, एक ऐसा पहलू जो कि पॉलिटिकल क्राइम को अंजाम दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा पहलू जो कि इसी पॉलिटिकल क्राइम को किसी भी तरह से खत्म करना चाहता है लेकिन अपने तरीके से, और इन दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है सोनी लिप पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 7, परंपरा सीजन 2। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है गोपी से जो कि अपने चाचा को किसी भी तरह से मार देना चाहता है, लेकिन गोपी जेल से किस तरह बाहर निकलता है और अपने चाचा से अपना रिवेंज किस तरह लेता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 6, रक्तांचल सीजन 2। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है विजय से जो कि वसीम से किसी भी तरह से अपने फैमिली का बदला लेना चाहता है, लेकिन अपने फैमिली का बदला वो लेने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज में और भी अलग बहुत सारे पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है, और वो सभी पहलू काफी इंटरेस्टिंग तरह से प्रेजेंट भी की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 5, सिटी ऑफ ड्रीम्स। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जहां पर सभी के सभी लोग पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन परिवार के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि एक दूसरे के दुश्मन भी होते हैं पॉलिटिकल गतिविधि की दौर से, लेकिन लास्ट तक उस परिवार में से पॉलिटिकल एक्टिविटी की गतिविधि में कौन सबसे ज्यादा सफल होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 4, रंगबाज टर्की राजनीति सीजन 3। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे गैंगस्टर से जो कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद वो किन किन क्राइम्स को अंजाम देता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 3, रान बाजार। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही CM की डेड बॉडी पाई जाती है एक होटल में, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है कि असल में CM की मर्डर के पीछे किसका हाथ है और इस मिस्ट्री को कंप्लीट सीरीज में किस तरह सॉल्व की जाती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं प्लैनेट मराठी पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 2, शिक्षा मंडल। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज आपको ले जाती है भोपाल जहां पर एडुकेशन को लेकर एक अच्छे खासे क्राइम और स्कैम को अंजाम दिया गया था, और इस स्कैम को किस तरह अंजाम दिया गया था इवन इस स्कैम के पीछे किन किन का हाथ था ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे महारानी सीजन 2। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है महारानी से जो कि एक्चुअल में CM बन चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि महारानी को CM की सीट से किसी भी तरह से उतारना चाहते हैं, और लास्ट तक ये सभी लोग महारानी को CM की कुर्सी से उतारने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।